सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। गणेश चतुर्थी के मौके पर हम आपको सिक्किम में बने गणेश टोक मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यह मंदिर नाथुला मार्ग पर गंगटोक शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर छोटी पहाड़ी पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का एक मंदिर स्थापित है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। सिक्किम का गणेश टोक मंदिर बेहद खास है। गणेश जी का ये मंदिर षटकोणीय आकार का काफी छोटा है। ये मंदिर, इसके अंदर जाने के लिए रेंगना भी पड़ता है। 1953 में बना है ये मंदिर। गणेश चतुर्थी के मौके पर आपको सिक्किम में बने गणेश टोक मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यह मंदिर नाथुला मार्ग पर गंगटोक शहर से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर छोटी पहाड़ी पर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है। गणेश टोक भगवान गणेश को समर्पित एक बहुत छोटा मंदिर है। यह मंदिर मुश्किल से एक व्यक्ति को समायोजित कर सकता है और एक साथ इसके अंदर जाने के लिए रेंगना भी पड़ता है। टोक शब्द का वास्तविक अर्थ स्थानीय भाषा में मंदिर है, इसलिए इसका अनुवाद गणेश मंदिर के रूप में किया जाता है। 1953 में निर्मित विचित्र और ज्वलंत हिंदू मंदिर आगंतुकों को बर्फ से ढकी कंचनजंगा पहाड़ियों और गंगटोक शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पहाड़ और हरियाली के बीच ठंडी हवा के झोंके और बारिश की बूंदों के चलते अक्सर यहाँ रुमानी सा एहसास चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है। यहाँ पार्किंग के पास से मंदिर तक जाने का रास्ता एक सुंदर द्वार से होकर जाता है, जो संभवतः सिक्किम शैली में निर्मित किया जाता है। षटकोणीय आकार का ये एक छोटा मंदिर है, जहाँ कुछ लोग ही एक साथ मंदिर में प्रवेश करके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ बालकनी बनी हुई है, जो एक व्यू पॉइंट की तरह से काम करती है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से मंदिर परिक्रमा करते हुए कंचनजंगा पर्वत और गंगटोक शहर के दूर तक नजारों का आनंद लिया जा सकता है। गणेश टोक का मंदिर इतना छोटा है कि किसी भी भक्त को मंदिर में भगवान गणपति तक पहुंचने के लिए रेंगना पड़ता है। पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता ने मंदिर की लोकप्रियता को इसके स्थापत्य गुणों से अधिक बढ़ा दिया है। वैसे तो इसकी छत बहुत विशाल है, जहां से आसपास के सुंदर नजारे बड़े आराम से दिखाई देते हैं। मंदिर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहां से सैलानी बड़े आराम से जा सकते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की बप्पा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।